राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ Thank you.
ओम ज्ञानित विराम धस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य दीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ हरिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण वंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे अपना छात्रों को केवल कृष्ण भजन करने के लिए ही उपदेश दे रहे थे और महाप्रभु ने कहा देखो अभी और मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जब ग्रंथ खोलता हूँ सर्वत्र मुझे कृष्ण 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 ही मुझे दिखता है। कृष्ण के सिवाय और मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। हमसे पढ़ाई नहीं होएगा तुम लोग और कहीं जा करके लेखा पढ़ा सीखो। जब बोले तब जितने छात्र लोग थे तब श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं श्रीमान महाप्रभु जिसको पढ़ाया करेंगे वो छात्र क्या साधारण हो सकता है। तो वो छात्र कोई साधारण नहीं सबके सब महाप्रभु के परिकर सबके सब सब छात्र लोग बोले प्रभु आपसे हमने जो विद्या पढ़ा है ऐसे विद्या हमें और कौन पढ़ा सकता है। इसलिए आप जैसे आज से अपना ग्रंथ में डोरी बांध लिया हम भी अपना ग्रंथ में हम भी डोरी बांध लेते हैं हम भी बांध लेते हैं। इसलिए आज से आपको साथ में हम हरि कीर्तन करेंगे। महाप्रभु ने बोले चलो सबके सब मिल करके हम हरि कीर्तन करते हैं है? इतने में महाप्रभु सबको आशीर्वाद देते हैं बोले जाओ तुम लोगों को सब कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो
सबके सब कृष्ण भक्ति तुम लोगों को मिले। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, हाय नो पापिष्टा जन्म ना हैला तखाने, हैला मंचित से सुख दर्शने, हैला मंचित से सुख दर्शने। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हमें भगवान ने उसी समय क्यों जन्म नहीं दिया, बोले किस समय, बोले जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए, जहाँ पर साक्षात भगवान स्वयं राधा कृष्ण मिलित विग्रह चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर विद्या अध्ययन कराते होंगे, पढ़ाते होंगे, वो कई साधारण बात है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी एक ही बात कहते हैं, संगीरा संगे जे कैला विलास, संग ना पाया नारोतम दास, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचोर, जिन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर जिस समय, क्यों नरोत्तम दास ठाकुर वो राजा घर के बेटे थे, वो साधारण घर के बच्चे थे ही नहीं, जब उन्हें सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु का प्रेम में दीवाना बन करके हरि बोल करते करते आ रहे थे, और आते आते समय वो श्रवण कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए, श्री सनातन गोस्वामी चले गए, श्री रूप गोस्वामी चले गए, श्री जीव गोस्वामी चले गए, ऐसे ऐसे जब एक एक भक्तों का अंतर ध्यान की बात सुन रहे थे, उसी समय में ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, जया नील प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, जिन्होंने कृपा करके जगत में ये प्रेम धन को लाए, सब भक्त लोग कहाँ चले गए, भक्त लोग कहाँ चले गए, इसलिए पाषाण कुटी व माता अनल बसी व गौरांग गुण निधि को छा गले पाप हो, इसलिए क्या बोल रहे हैं, कहते मैं ये सर को पत्थर में पीट पीट करके सर को फोड़ डालूंगा, और ये शरीर को मैं आग में प्रवेश करते हुए शरीर को आग में जलांजलि दे दूंगा, है। इसलिए क्यों, जब भक्तों का दर्शन नहीं मिलेगा, भक्तों संग नहीं मिलेगा, ये जीवन पाकर क्या लाभ है। इसलिए कहते हई लापेश जन्म ना हई लख, बोले भगवान हमें इसी समय ये पाप जन्म को क्यों दिया, महाप्रभु जिस समय आए हुए थे उसी समय हमें ये जन्म क्यों नहीं मिला, इसलिए भाई लाम वंचित से सुख दर्शने, इसलिए हमने वो जो आनंद है महाप्रभु जब साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं, जब श्री अद्वैताचार्य श्रीनिवास अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु और श्री गदाधर श्रीवास पंडित जब मिल करके महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते होंगे, वो जो दृश्य कितना सुंदर नहीं होगा, दृश्य कितने मनोरम नहीं होगा वो दृश्य है। इसलिए कहते से सब संगीर संगे जे कैल विलास, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, इसलिए कहते श्री ऐसे भक्तों का संग को प्राप्त नहीं करके कहते से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास है। इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते पर विद्या वधु जीवन साक्षात सुधा सरस्वती मूर्त सप्त विग्रह गौरव सुंदर पर विद्या विलास दर्शन करिवार सौभाग्य लाभ करे छे तादर दर्शन मात्रे अविद्या नष्ट है। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, कहते एक सुधा सरस्वती और एक विद्या सरस्वती, और जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं विद्या अध्ययन करते होंगे तो उस जो सुधा सरस्वती हैं, कहते सुधा सरस्वती कितने प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं, कहते श्री नरोत्तम दास, इसलिए कहते महाप्रभु जिस समय विद्या अध्ययन कराते होंगे उस समय जो भक्त लोगों ने सब लीला दर्शन किया है, कहते वो लीला दर्शन करने मात्र से ही सारे अविद्या नष्ट हो गया होगा। इसलिए पहिलाम सुड़िलाम जत्तो दिन धरी कृष्ण रे कीर्तन कर परिपूर्ण कर, यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं
जितना दिन से हम लोगों ने क्या किया, जितना दिन तक हमने पढ़ाई और सुनाई किया है, हैं? अभी क्या करो, सबके सब हरि कीर्तन करना शुरू करो। यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, कहते हम लोग जो इतने लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो इतने एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर ही कर रहे हैं, कहते ये पढ़ने के सुनने का तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, कहते कृष्ण कीर्तन ही विद्या पूर्णता, कहते तभी ये विद्या पूर्णता प्राप्ति होगा जब हम पढ़ सुन करके भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की नाम करेंगे, तभी ये पढ़ाई लिखाई सार्थकता होगा। अगर हमने सारे लिखाई पढ़ाई सब कुछ कर लिया लेकिन हमने कृष्ण कीर्तन ही नहीं किया, कृष्ण भजन ही नहीं किया, कहते सब सब बेकार है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं विद्या पढ़े के ना बोले कृष्ण भक्ति जानी बार। विद्या क्यों पढ़ते हैं? कृष्ण भक्ति जानने के लिए। बोले सजद नहीं ले तभी विद्या की करे। अगर लिखा पढ़ा सुनकर भगवान की भक्ति नहीं किया, भजन ही नहीं किया, कहते भैया लिख पढ़ कर क्या लाभ है, वो विद्या कौन सा काम में आएगा, वो विद्या कौन सा काम में आएगा। इसलिए कहते ये संकीर्तन का मतलब क्या होता है, कहते संकीर्तन का मतलब होता है बहुविमिलता जदैव कीर्तनम तदैव संकीर्तनम। जब बहुत सारे लोग मिल करके, अकेले कीर्तन संकीर्तन नहीं होता है, जब हम बहुत सारे लोग मिल करके भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट, कहते जब के सब कीर्तन करेंगे तब क्या होगा, इसको संकीर्तन कहते हैं। कहते जब ऐसे जो संकीर्तन जब निरपराध में करते हैं तभी क्या होता है, बल उसको द्वारा ही ये अविद्या दूर होगा, अविद्या तभी दूर होगा। इसलिए आप देखना कहते कोटि काल करे यदि सर्व कीर्तन तथा ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए कहते करोड़ों काल तक कीर्तन करने पर भी कहते कृष्ण का चरण में प्रेम धन नहीं मिलता है। बोले क्यों, कहते जैसे जेरूपे नाम लैले नाम प्रेम उपजे तहार स्वरूप लक्षण सुना राम राय है। इसलिए हरिनाम कैसे करनी चाहिए, बोले निरपराध को साथ हरिनाम करेंगे तभी क्या होगा, कहते ये तभी ये अविद्या दूर होगा भोगिल। कहते ये जो भगवान, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कहते ये जो भगवान की कथा है ये भगवान की कथा साधारण नहीं, इसलिए भगवान और उनकी जो कथा है वो एक ही है। कहते भगवान जैसे सच्चिदानंद स्वरूप है, कहते उनकी कथा भी ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की कथा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देखो ये कथा, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं केवल कथा सुन लिया अपना तक मत रखो, प्रभुपाद कहते हैं घर घर में जाकर कथा को पहुंचा। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने सब अपना शिष्यों को, प्रभुपाद स्वयं हैं, हमने सुना अगर कोई सन्यासी मंदिर में आ गया ना 2-3 दिन हो गया, प्रभुपाद बोलते थे अभी वो गया कि नहीं, अभी है मंदिर में ना प्रचार के लिए गया, वहां प्रभुपाद किसी घर में बैठ नहीं देते, ले जाओ प्रचार करने के लिए जाओ, अलग अलग जगह पर प्रभुपाद सबको भेजते थे और अकेले नहीं ब्रह्मचारियों को लेकर जाओ, ब्रह्मचारी को लेकर जाओ प्रचार कर, प्रभुपाद किसको बैठने, क्योंकि मठ पर अगर बैठी जाएंगे ना हम बद्ध जीव है ना, उसका पीछे लग जाएंगे, बिना कारण से उसका निंदा करना शुरू कर देंगे, उसकी चर्चा करना शुरू कर देंगे, क्यों हम बद्ध जीव है, हैं हम लोग को बद्ध जीव है। इसलिए रमते जोगी बहते पानी, इसलिए पानी अगर बहती है ना वो पानी निर्मल रहता है, पानी जहाँ रह जाता है फिर पानी गंदा हो जाता है। इसलिए बोले बस भक्तों को एक जगह पर बैठना चाहिए है, प्रचार जाओ। इसलिए प्रभुपाद किसी को भी बैठने, प्रभुपाद कभी बैठने नहीं देते, कभी खुद प्रभुपाद बैठे नहीं और किसको बैठने भी नहीं दिए, जाओ प्रचार करो, उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, सबको चारों तरफ में भेजते थे, ब्रह्मचारी सन्यास को लेकर के चारों तरफ में भेजते थे और बोलते थे तुम भी हरि कथा बोलो, तुम भी हरि कथा बोलो, जैसे हमारे बुधैन महाराज बोलते ना तुम भी बोलो तुम भी बोलो तुम भी बोलो। इसलिए प्रभुपाद, इसलिए हम जब एक नवी महाराज को साथ में हमारे गुरु जी को भेज दिया हाँ पूर्व काल में, हाँ बोले सिद्ध स्वरूप कथा सुना, गुरुदेव ऐसे कथा सुना दिया, ऐसे गुरुदेव ने कथा सुना दिया, पूरा आग लगा दी सबको अंदर में, पूरा आग लगा दिया, वहां भिक्षा क्या मिलेगा, ईट पत्थर जूता फेंकने लग गए हैं, जूता फेंकने लग गए। ऐसे प्रभुपाद का समय पर है ना, इसलिए एकदम
सत्य बात बोलते थे, हैं? एकदम सच बात बोलते थे, किसको मन रखा करके पहले बंगाल में कितने अवतारवाद, कितने जात गोसाएं, कितने सहजिया धर्म हैं। कभी तो उन्होंने प्रचार करने के लिए कभी गए, गांव के लोग सब बिगड़ गए और आता रात उन लोगों ने वहां से भाग गए। जमीन का जो धान का जमीन होता था ना, हैं? उसमें छुप करके आता रात चले गए। ऐसे ऐसे कभी बात बोल देते, बल भैया कम से कम एक व्यक्ति तो बदलेगा उसमें, हैं? अगर इसकी मन को रखा करके बात बोलेंगे, हैं? फिर तो अगर बदला नहीं है तो बोल कर क्या लाभ है। इसलिए यहाँ प्रभु बात कह रहे हैं कि देखो ये जो कृष्ण कथा, कहते भोगी लोगों को पास में पहुंचाओ, संसार में जाकर के घर घर में जाकर के भोगी लोगों को पास में पहुंचाओ, नहीं तो क्या होगा? अगर इनको पास में कथा नहीं पहुंचाएंगे तो फिर तो ये मन धर्म में पड़ रहे, संसारिक धर्म। इसलिए एक व्यक्ति मेरे को बोल रहा था, जगत में बहुत तरह तक अपधर्म प्रचार हो रहे, तरह तरह का उल्टा पुल्टा, बंगाल में उड़ीसा में पता नहीं कितने की गुरु कितने किया किया, सब उल्टा पुल्टा धर्म प्रचार हो रहा है। तो एक वैष्णव ने मेरे को बोला, बोले सब आप लोगों का दोष है। मैंने कहा भैया हमारा क्या दोष है? बोले आप शुद्ध भक्ति कथा प्रचार तो करते नहीं, अगर आप भक्ति शुद्ध भक्ति कथा प्रचार करते फिर ये उल्टा पुल्टा कथा प्रचार नहीं होता। आप लोग प्रचार नहीं करते तभी तो ये उल्टा पुल्टा प्रचार हो रहे। इसलिए मेरे को बोले महाराज लोग आप लोग जाओ कर मंदिर में मत बैठा करो, मेरे को बोले मत बैठा करो, नहीं तो जगत में सारे अपधर्म छल कपट धर्म जगत में छा जाएगा। इतने अपसंप्रदाय कैसे, क्योंकि सही संप्रदाय का बात लोगों के पास में पहुंचा नहीं, तभी तो उल्टा पुल्टा लोगों के पास में पहुंच गया। अगर हम लोग शुद्ध भक्ति की बात अगर पहुंचा देते, उनको उल्टा पुल्टा धर्मों के बारे में उनको पता ही नहीं चलता है, फिर उनको खंडन मंडन करने के लिए हमें कितना क्या क्या करना पड़ता है, कितना क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं पहुंचाओ सबको घर घर में, क्योंकि महाप्रभु ने बताया ये अमंद मंद दया है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ये अमंद मंद दया है, कहते अहित कृपा है, नहीं तो जीवों का माया से उद्धार नहीं होगा, नहीं तो जीव का हृदय में कृष्ण भक्ति प्रेम जागृत नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, इसलिए कहते पराविद्या का चरम फल प्रचार है, प्रचार है समस्त अध्ययन फल कृष्ण कीर्तन। महाप्रभु भक्तों को लेकर कीर्तन में लग गए ना, चलो गली गली में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु ने यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं महाप्रभु की क्या जरूरत था, महाप्रभु तो भगवान कृष्ण है, हैं? फिर उनको भक्त लोगों को लेकर के कीर्तन करने का क्या जरूरत था? इसलिए काजी ने मृदंग तोड़ दिया ना, काजी ने मृदंग तोड़ दिया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे महाप्रभु क्या सिखा दिया, क्यों उन्होंने कृष्ण कीर्तन किया, इसलिए लोगों को पास में हरि कथा पहुंचे, हरि कीर्तन पहुंचे। देखो एक समझो, अगर तुम लोगों के लिए सेमिनार नहीं दिया होता, अगर भक्त लोग आपको गांव में कहीं प्रचार करने के लिए नहीं जाते, फिर क्या आप लोग यहाँ पर अभी आकर बैठते, फिर यहाँ पर बैठ करके हम क्या कृष्ण कथा सुनते यहाँ पर बैठ कर? नहीं सुनते, इस समय अपना घर गृहस्थ में टीवी देखते होंगे, इधर उधर काम है, इधर उधर काम में लगे होते होंगे। गुरु वैष्णव ने प्रचार किया तभी आज हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे और बैठ करके हम आज हरि कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे अपना शिष्य लोग को, तुम लोग मेरे विपद बांधव बंधु हो, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं होते तो फिर मैं कथा किसको सुनाता था, ईंट पत्थर को तो कथा सुना नहीं सुनाता ना, ये दीवारों को तो कथा नहीं सुनाता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद टीका में लिखते हैं जाओ घर घर में जा करके महाप्रभु का वाणियों का प्रचार करो, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग एक एक क्या बोलना, अभी महाराज आपको इतने अच्छे अच्छे श्लोक सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हैं, ये कर रहे हैं, क्या करना, एक दिन एक एक एटम बम बनना है और जहाँ जाओगे एक से बास्ट होना पूरा के पूरा, जैसे वहाँ जाओ दसनज कर देना। हाँ, भक्ति है, भक्ति रहस्य में सबको सराबर करना, ठीक है, एक एक कर प्रचार भरना। गुरु वैष्णव का जो हम लोग ऋणी है, हम लोग गुरु वैष्णव का ऋणी है, हम लोग उनका खा रहे हैं। हाँ, एक एक दस दस गुरु जी तो हर समय कहते थे, गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति आए परिक्रमा में अगली बार
कम से कम 10-10 व्यक्ति को लाना। फिर गुरुदेव कहते थे 10 व्यक्ति को कब लाओगे, प्रचार करोगे तब के लाओगे ना, अगर यहाँ से जाकर बैठ ही गए फिर कहाँ से लाओगे। भूख डिस्ट्रीब्यूशन करना और क्या करना, ब्रह्मचारी लाना और कृष्ण सेवा के लिए कुछ लेकर के आना। इसलिए कहते हैं ये काम को जो जितने अच्छे तरह से करेगा वो उतना ही महाप्रभु का सेवा को उतना ही महाप्रभु का वो सेवा करेगा। ठीक है, एकदम ठान लो इस चीज को। एक दिन हम लोग यहाँ पर अभी महाप्रभु का मंदिर में रह रहे हैं, महाप्रभु का दिया हुआ वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इसका ऋणी से कब हम मुक्त होंगे, ऋणी से तभी मुक्त होंगे जब फिर यही महाप्रभु का वाणी को लेकर के हम घर में, महाप्रभु का यही तो भविष्यवाणी था, क्या था, पृथ्वी ते आशीजत, जोर से बोलो, उसके बाद में अगर मठ में रह करके अगर खा पी कर कहीं पर सो गए फिर ये होगा क्या होगा, मठ में खाए और सो गए, फिर देखते सवेरे खा करके विश्राम कर लिया, फिर दोपहर में कब बेल पड़ेगा, दोपहर में कब बेल पड़ेगा, फिर दोपहर में प्रसाद भाग सो गए, शाम को थोड़ी सी आरती भारती आ गई, फिर उसके बाद में फिर रात को कब घंटी बढ़ेगी, रात को फिर ये घंटी कब बढ़ेगी है। इसलिए ऐसे नहीं ये शरीर को रगड़ करके भक्ति करना और जगत में भक्ति को प्रचार करना। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर टीका, ये प्रभुपाद का टीका है, प्रभुपाद कह रहे हैं जाओ अब धर्म जो जगत में प्रचार हो रहे, गांव घर घर में जा करके महाप्रभु जैसे नित्यानंद हरिदास ठाकुर को दरवाजा दरवाजा पर उन्होंने भेजा, और भेज करके उन्होंने क्या किया, सबको उन्होंने कृष्ण भक्ति में लाए, उसी तरह प्रभुपाद, इसलिए महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी अपना जितने छात्रों को लेकर बोले चलो गली गलियों में है, गली गलियों में जाकर क्या करे, जाकर कीर्तन करे। इसलिए कहते तब शिष्य लोग प्रश्न कर रहे हैं प्रभु के मन कीर्तन, आपका कीर्तन कैसे करते हैं, कीर्तन को हमें कैसे करनी चाहिए, तो यहाँ पर स्वयं भगवान अपना शिष्यों को महाप्रभु स्वयं सिखाते हैं, बोले हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम, हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम, जादवाय माधवाय केशवाय नम, जादव बोलो हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम, जादवाय माधवाय केशवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोपा, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम, जादवाय माधवाय केशवाय नम, महाप्रभु ये स्वयं महाप्रभु का मुंह से निकला हुआ ये कीर्तन है, हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम, जादवाय माधवाय केशवाय नम, क्यों भक्त पता ही नहीं था कीर्तन क्या होता है, कीर्तन कहते हैं किसको, कीर्तन का मतलब क्या होता है, लोग को कुछ भी पता नहीं, इसलिए भगवान स्वयं कीर्तन करते हुए महाप्रभु स्वयं शिक्षा दे रहे हैं,
भैया कीर्तन करनी कैसे कीर्तन चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु छात्रों को स्वयं भगवान श्रौत पथ का शिक्षा अधिरोह बाद निरसन ये यहाँ पर महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते हुए क्या शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु। कहते ये श्रौत पथ, श्रौत पथ मतलब शुद्ध गुरु परंपरा में जो कीर्तन है, करे भैया ऐसे ही कीर्तन करनी चाहिए हैं। और कहते ये जो छड़ा नाम है, छड़ा नाम मतलब क्या है, परवर्ती समय में तरह तरह का अपर संप्रदायों ने अलग अलग सब नाम निकाल दिया है हैं। इसलिए राम नारायण अनंत किसी ने बोल दिया वो क्या क्या ऐसे ऐसे अलग 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 कुछ ने अलग अलग संप्रदाय में देखना अलग अलग नाम सब निकाल दिया है। राम नारायण नाम राम ऐसे किसी ने निकाल दिया, अलग 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 नाम निकाल दिया। यहाँ प्रभुपाद कह रहे बोले नहीं, इसलिए कहते गौरव जे लो आई लो नाम सही नाम लो आर जतो छड़ा नाम दूरे रखे दाओ। इसका मतलब समझता हूँ याद है किसको, किसको याद है, किसको याद है, किसको याद नहीं, किसको याद है, बोलो बोलो क्या नाम। इसलिए इसमें इसमें ये बात को श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं बोले गौरव जे लो आई लो नाम सही नाम लो, उसके बाद में बोलो इसको इसको याद कर ले, इसको याद कर लेनी चाहिए। कहते आर जो तो छड़ा नाम दूरे देखे दाओ, इसका मतलब है कहते ये गुरु परंपरा में जो नाम आया है, हैं गुरु परंपरा में जो नाम आया उसी नाम को लेनी चाहिए। छड़ा नाम मतलब होता है आर जो तो छड़ा नाम दूर लिखे दाओ, छड़ा नाम मतलब होता है जो मन कल्पित जो नाम है, हमने गुरु जी को ये नाम स्वप्न में मिला, हमारे गुरु जी ने ये नाम बोले, हमारे गुरु जी ने ये, भाई अगर तुम्हारी गुरु जी उसको गुरु जी सब नए नए नाम निकाल दिया है। कोई कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद भजन निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, जो अलग 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 सब नाम हैं। अगर कोई बोले मेरे गुरुजी को स्वप्न मिला, किसी ने बोला नहीं हमारे गुरुजी ने बनाया, अरे तेरे गुरुजी उसका गुरुजी बनाया तो फिर शास्त्र कहाँ जाएगा, ये शास्त्र की फिर क्या जरूरत है। इसलिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भैया शास्त्र में जो नाम है, गुरु परंपरा में जो नाम आया उसी नाम को ही लो, और जो तो छड़ा नाम बाद में, और जो इधर उधर जो नाम निकला दूर देखे जाओ उसको दूर में रख दो, वो नाम को दूर में रख दो, वो नाम को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा नाम लिया है, कहते जो गुरु परंपरा में जो प्राप्त नाम है वो नाम को उन्होंने शिक्षा दिया। इसलिए जिस चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिया, कहते उनको गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी पाद ने जो नाम लिया, उनको गुरु श्री माधवेंद्रपुरी जो नाम को लिया है महाप्रभु ने वही नाम को लेकर के। इसलिए प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र इहा जप किया सब करिया निर्बंध, यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व क्षण बोले ते विधि। इसलिए महाप्रभु ने कोई भी महाप्रभु ने कभी भी अपना बात को महाप्रभु बोला नहीं, मैंने ये बात बताई नहीं, ये शास्त्र में ये बात बताया है, ये वेदों में ये नाम आया, पुराण में ये आया, भागवत में आया। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा है, इसलिए गुरु परंपरा नाम को उन्होंने जगत में उन्होंने प्रचार किया है। कृष्ण नाम कीर्तन व्रत सदगुरु, कहते जो कृष्ण नाम प्रभुपाद कह रहे हैं जो हरि हरय नम कृष्ण जादव आय नम, कहते यहाँ जो हरि हरय, कहते जो हरि शब्द है, कहते हरि हरि हरय है, कहते ये संबोधन पद है, ये संबोधन पद है। और जो जादव हरि हरय जादव आय नम है, ये नम ये क्या है, अहंकार छोड़ करके कृष्ण के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत है, है? कहते ये नाम कैसे ग्रहण करनी चाहिए, कहते ये नाम का अपने आप नहीं करनी चाहिए, सुन लिया शास्त्र से और अपने आप नाम करना शुरू कर दिया, बोले नहीं। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं उसको गुरु परंपरा माध्यम से जो नाम आया है,
कहते हमें सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करके हमें वह नाम को ग्रहण करनी चाहिए हैं। इसलिए क्या गुरु वैष्णव मुखे कर संबोधन प्रभग उच्च सुर निरंजन। इसलिए गुरु परंपरा रूप में सदगुरु से नाम लेकर के जब हरि नाम करेंगे, इसलिए हम सुना श्री जीव गोस्वामी ने बताया ना, हमें ये नाम गुरु जी से क्यों लेनी चाहिए, अपने आप क्यों नहीं करनी चाहिए, बताओ इसका मतलब क्या? बोलो पहले क्या सुना था? बोला हाँ बोला जो बोला सुनो जोर से बोलो, हिंदी में बोलो, क्या हंस रहे हो? अल्ट्रा हंस लो पूरा, हाँ अल्ट्रा पूरा हंस लो, पूरा हंसने के बाद मेरे बोलो, हाँ बोलो हिंदी में बोलो, सब सुनेंगे ना, बोलो हाँ हिंदी में बोलो, गौर ब्रह्मानंद। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अपने आप हरिनाम नहीं करनी चाहिए। हाँ एक उस तरफ में एक सुंदर कथा सुनाते हैं, कहते एक समय कोई एक साधु किसी घर में जाकर कथा सुना रहा था, ये कथा को याद कर लेना, कोई साधु जाकर कथा सुना रहा था, कथा सुनाते सुनाते बोले देखो जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करते हैं ये भव सागर से पार हो जाते हैं। लेकिन उसी घर में एक तोता था पिंजरा में, तोता ने बोल पड़ा, बोले ए साधु बाबा ये सब झूठ मूठ का बात क्यों बोलते हो? बोले क्या झूठ मूठ बात है, भगवान का नाम लेने से तो जी भव सागर से पार हो जाते हैं। बोले तू मेरे को ही देख ले, तोता ने कहा तू मेरे को देख ले, जो घर में आता है ना मैं सबको राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण दिन भर बोलता रहता हूँ, लेकिन ये छोटा सा पिंजरा में हूँ, अब ये छोटे से पिंजरे से भी मेरी मुक्ति नहीं मिली, अब तो ये भवसागर से पार होना है तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, ये सब बेकार बात है। तो चुप हो गया, बोले ये बात सही बता रहा है। वो वापस आया, वापस आकर के गुरुजी को ये बात बताई, बोले गुरुजी मैं उनको घर में कथा कर रहा था, जब मैंने कहा भगवान का नाम ग्रहण करने से जी भवसागर से पार हो जाते, तोता ने इसे बोल पड़ा, बोले तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, बोले तो उत्तर नहीं दे पाया, बोले ठीक है कल तेरे साथ में मैं चलूंगा, बोले जा तू वहां पर कथा सुनाओ। फिर दो बार बोले जो भगवान का नाम ग्रहण करते हैं वो जी भवसागर से पार हो जाता है। फिर तोता बोल पड़ा, बोले साधु बाबा फिर कोई ये झूठ मूठ का बात बोल रहे हो? इतने में वहां पर गुरु जी खड़े थे, बोले झूठ क्या है तो सच बात है। तो तोता ने कहा मेरे को ही देख लो, ये छोटा सा पिंजरा से अभी मेरी उद्धार नहीं हो पाया, सबको राधे राधे राम राम बोलता हूँ। इतने में गुरु जी ने कहा देख बेटा इसलिए तो उद्धार नहीं हो पाया क्योंकि तुमने किसी शुद्ध गुरु परंपरा से नाम नहीं ग्रहण किया है। जैसे तैसे व्यक्ति से तुमने नाम सुन लिया, सुन करके राधे राधे राम राम बोलते हो, अगर किसी शुद्ध गुरु से अगर नाम ग्रहण करेंगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी। बोले फिर मेरे कान में मंत्र दे दो, मेरे कान में मंत्र दे दो। उन्होंने उनके कान में मंत्र दे दिया, देख तेरे को हम एक रास्ता बताता हूँ, जब तक इसको अंदर में रह करके राधे राधे राम राम बोलोगे ना मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम कर लेना, जब आज ये कथा विश्राम होएगी ना तुमने मरने का एक बहाना बनाना, बस प्राण छोड़ देना, एकदम गिर जाना, फिर तेरे अर्थी निकालेंगे जब पिंजरा से निकालेंगे ना फिर फर्रे करके उठ जाना। बोले वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दिया। जब कथा का विश्राम हो गया ना
इतने में तोता तो गुरु जी ने मंत्र दिया ना, बस प्राण छोड़ने का बहाना बना लिया। बोले भैया धन्य ये तोता है, क्योंकि भागवत की अंतिम जब विश्राम हुई इसने भगवान की कथा सुनते सुनते प्राण त्याग किया। सचमुच से तोता का जीवन धन्य। चलो इसका हम अर्थ निकालते हैं। अभी तोता का अर्थ निकाले, गले में सुंदर फूलों की माला पहनाया, पहना करके जब राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य बोलते बोलते जब ले जा रहे थे ना, थोड़ी दूर जब गए इतने में तोता फर कर उड़ गया। गुरु जी ने पूछा क्यों तोता, गुरु जी से नाम लेने से उद्धार होता कि नहीं? बोले हाँ, गुरु जी से नाम लेने से ही उद्धार मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी पानी पानी दो। हरे कृष्णा। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हाथ में ताली बजाते हुए अपना भक्त लोगों को शिक्षा देते हैं, हम लोगों को कीर्तन कैसे करनी चाहिए। महाप्रभु स्वयं शिक्षा देते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण मंत्र जप फले संसार का बंधन से मुक्ति मिलती है। लेकिन कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। कहते जो मंत्र जप करने से, कहते जो कृष्ण नाम बोले ना, यह इति सर्वसिद्धि है वे सवार सर्वक्षण बोले थे विधि नहीं यार। जब कृष्ण नाम से ही कहते ये सर्वसिद्धि हो जाएगी है, कृष्ण का चरण की प्राप्ति हो जाएगी, फिर हम लोग को ये मंत्र फिर क्यों जप करते हैं? जैसे ब्रह्म गायत्री जप करते हैं, गोपाल मंत्र है, काम गायत्री है, गौर मंत्र, गौर गायत्री, गुरु मंत्र, कहते फिर ये मंत्र जप क्यों करते हैं? कहते ये मंत्र को द्वारा जैसे हम लोग का संस्कार होता है, यज्ञ में 5 तरह का संस्कार होता है, हैं यज्ञ से जो संस्कार को द्वारा जब ये मंत्र प्राप्त करते हैं, कहते ये मंत्र जप करने से क्या होता है, कहते जो संसार का जो बंधन है, इसलिए मंत्र मतलब क्या है, मननात धर्मात त्रायते इति मंत्र, जो मन धर्म से हम ये ऊपर उठा ले हैं, इसलिए हमारे हृदय जो है एकदम अनर्थ से एकदम भरा पड़ा, अपराध अनर्थ से हमारे हृदय भरा पड़ा हुआ, कहते ये मंत्र को द्वारा हृदय जल्दी से जल्दी ये हृदय हमारी साफ हो जाती है। बोले कृष्ण नाम से क्या होता है? बोले कृष्ण नाम से कहते भगवान का जो चरण है, जो भगवत प्रेम है, कहते ये कृष्ण नाम से प्राप्त होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते अपना कीर्तन में अपना रस में ही महाप्रभु डूबे हुए। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं बोले जिन्नी कीर्तन तिन्नी कीर्तन और उद्दिष्ट वस्तु। कहते कीर्तन कौन कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। कीर्तन चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। भैया किसका कीर्तन कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं किसका? बोले अपना कीर्तन खुद कर रहे हैं महाप्रभु, अपना कीर्तन महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं। कहते यहाँ महाप्रभु क्या शिक्षा देते हैं? कहते महाप्रभु शिक्षा देते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर महाप्रभु स्वयं शिक्षा देते हैं मैं और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए नाम चिंतामणि ये रस विग्रह है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। इसलिए कृष्ण नाम में इतने रस गति, इतने नाम आनंद है, कृष्ण स्वयं अपना नाम को लेकर के प्रेम में डूबे हुए हैं। कहते कृष्ण नाम में इतने शक्ति हैं, कृष्ण को भी पता नहीं कृष्ण नाम में, इसलिए बोले राम ना सकई नाम गुण गाई। कहते भगवान स्वयं अपना नाम में कितने रस है, कितने महिमा, कहते भगवान भी नहीं बता सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपना नाम में ही महाप्रभु अभिष्ट होकर के कृष्ण नाम कर रहे हैं। इसलिए कृष्णा निविष्ट शिक्षा यहाँ शिक्षा देते हैं महाप्रभु हमारा, हम भी अपना क्या करें, अपना मन को कृष्ण के चरण में मन को आविष्ट करें। कीर्तन सुने सब भक्त आशा, जब महाप्रभु ने कीर्तन करना शुरू किया जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना सबके सब आए, और महाप्रभु को अंदर में ये प्रेम को देख करके महाप्रभु कैसे कीर्तन में नाच रहे गा रहे,
महाप्रभु कैसे इसमें डूबे हुए हैं, देख करके सारे भक्त प्रसन्न हो गए, हैं आनंद में डूब गए। कहते भैया अभी नवद्वीप में अभी क्या होगा, कीर्तन रस की प्रचार होगा। नवद्वीप में अभी भगवान क्या करेंगे, अभी कीर्तन करने पर ये आंख भगवान ने दिया, जब भक्त लोग कीर्तन करेंगे ये आंख की सफलता होगा। करे देखो ये निमाई पंडित पहले कितना उद्धत था, उद्धत समझते हो ना, कितने औद्धत था, हैं बड़े बड़े विद्वानों को जोर जबरदस्ती हाथ पकड़ करके लो बताओ इसका मतलब क्या है, ऐसे फांकी पूछते थे, ऐसे प्रश्न करते थे, महाप्रभु के सामने कोई जवाब नहीं दे पाते थे। क्या महाप्रभु का अभिमान, विद्या विलास लीला में महाप्रभु का क्या अभिमान था, लेकिन इतने जो औद्धत था महाप्रभु का। लेकिन अभी देखो महाप्रभु ने सारे औद्धत को छोड़ करके अभी दीनहीन बन करके सबसे कृष्ण प्रेम की जांचना अभी कर रहे हैं, और जो ब्रह्मा नारद जो प्रेम है, हैं अभी प्रेम को प्रचार कर रहे हैं। पता नहीं कृष्ण का क्या इच्छा है, हैं क्या इच्छा है, इसलिए महाप्रभु जिसको देखते हैं उनको गले को इसे पकड़ लेते, पकड़ करके कृष्ण कृष्ण बोल करके महाप्रभु अजोर नयन में महाप्रभु क्रंदन करते हैं, हैं इसलिए जो महाप्रभु की ये लीलाओं को दर्शन किया ना, जितने महाप्रभु का छात्र लोग थे वो सब के सब उदासीन हो गए। उदासीन होकर के महाप्रभु को साथ में बोले भैया चलो हम भी महाप्रभु को साथ में सारी विद्या छोड़ करके भगवान का कीर्तन, हम सबके सब भगवान का कीर्तन करेंगे। देखो हमारे गुरुवर्गों को देखो, हैं प्रभुपाद को देखो, गुरुवर्गों को देखो, इन लोगों ने जहाँ गए कितने लोग को उन्होंने भक्त बना दिया। स्वामी महाराज विदेश में गए, स्वामी महाराज विदेश में गए, हमारे भारत लोगों का बात छोड़ दो, भारतीय लोगों का बात छोड़ दो, विदेशी लोगों को देखा है ना, एकदम मुड़ मुड़ा करके इतने बड़े बड़े चोटी तिलक, इतने बड़े बड़े हम तो गला में सब पतली पतली माला पहनते हैं, वो एकदम इतने मोटे मोटे कंठी हमारे तपन देव के, इसलिए इतने मोटे मोटे कंठी हैं अंग्रेजी, इतने मोटे मोटे कंठी हम लोगों को तिलक लगाने में कभी शर्म लगता है, पूरा वो लंबे तिलक है, मैं तो मुंडन करके चोटी रख करके धोती पहन करके है सर्वत्र क्या कर रहे हैं। अगर ये एक महाप्रभु का भक्तों में इतने शक्ति हो सकता है, हमारे गुरु वर्गों ने हम लोगों को प्रचार किया तभी हम लोग ने तिलक कंठी माला धारण कर सकते हैं, जब साधारण भक्तों की प्रभाव इतना। और जब चैतन्य यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु जो कथा सुनाते होंगे स्वयं भगवान राधा भाव में विभावित होकर के, तब उनकी कथा में कितने शक्ति नहीं होगा बताओ। इसलिए जितने यहाँ कह रहे जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, जितने पढ़ुआ थे सब के सब पढ़ाई पढ़ाई सब छोड़ दी, बोले आज से हम और कोई नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, बोले चैतन्य महाप्रभु साथ में चलो, सब के सब निताई गौर प्रेमानंदे हरी 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 बोल, चलो हम भी महाप्रभु को साथ आज से हरि नाम कीर्तन करेंगे। अरे पूरा नदिया को उन्होंने हैं महाप्रभु अपना परिकरण को लेकर के कीर्तन की, इसलिए कहते जो कीर्तन का मूल स्कंध कौन है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु, कहते उनसे दो शाखा निकले, कौन दो शाखा निकले, एक नित्यानंद और एक श्री अद्वैत आचार्य, जो दो शाखा निकले, फिर वो दो शाखा से अनंत फिर शाखा निकली हैं, जिसमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी सब के सब शाखा निकले, फिर जीव गोस्वामी से तीन शाखा निकले गई, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास। कहते महाप्रभु ये श्री जीव गोस्वामी तीनों को एक को उड़ीसा में एक को बंगाल में एक मणिपुर में भेज दिया है। कहते बंगाल में जो शाखा निकले ना वहां से फिर एक शाखा निकल गया, कौन, कहते श्री भक्ति विनोद ठाकुर निकल गया, अरे भक्ति विनोद ठाकुर से फिर एक शाखा निकल गया, कौन, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद निकल गए, फिर उनसे तो इतने शाखा निकले, सबसे ज्यादा अगर कई शाखा निकले है ना ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से निकले है, भक्ति हृदय बंदव गोस्वामी महाराज, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, भक्ति केवल है कहते श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज है, उनके भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज है, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज, पता नहीं उसमें इतने भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज, पता नहीं इतने सखा निकले है ना,
अनंत शाखा निकले। और ये शाखा क्या किया जानते हो, ये इतने ये शाखा निकली भक्तिवेदांत स्वामी महाराज उस समय उन्होंने बन महाराज को भी और भक्ति हृदय बनते हुए स्वामी महाराज और श्री हैं कहते ये सारण को इनको विदेश में भेजे थे, लेकिन बाद में श्री स्वामी महाराज जब उन्होंने गए बस महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आशी ज्यादा नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हय मोर नाम, उन्होंने पूरा सारा दुनिया को उन्होंने वो शाखा प्रसाद सारा दुनिया में छा गया है। और उसमें भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज में भी एक विशेष शाखा निकली, कौन, श्री भक्ति वेदाश्र नारायण गोस्वामी महाराज। उन्होंने फिर विदेश में गए, सबको पकड़ पकड़ करके ले आए, सबको उन्होंने पकड़ पकड़ करके उन्हें ले आए और वहां से हमारे श्री वंशीवर्धन प्रभु निकले फिर उन्होंने उड़ीसा में है। इसलिए कहते श्री है कहते उन्होंने अभी उड़ीसा में अभी ये शाखा अभी पूरा उड़ीसा को घेर रहा है, उड़ीसा को घेर करके इसलिए शाखा अभी निकल के वैसे उड़ीसा को घेर रहे और पता नहीं उड़ीसा को घेर कर कहाँ कहाँ तक जाएंगी, फिर वो शाखा से फिर तुम लोग भी निकलोगे घेर करके शाखा। इसलिए बोले निताई गौर प्रेमानंदे बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हाँ ये महाप्रभु का इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है। इसलिए कहते जब तक महाप्रभु का कृपा नहीं हो ना, देखना एक बेटा पिता का बात नहीं सुनता, बेटा पिता का बात नहीं सुनता है, लेकिन हम लोग एकत्रित होकर के एक जगह पर रह करके है हम लोग जो हरि कीर्तन हरि नाम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये महाप्रभु का ही नित्यानंद प्रभु का हाँ, दो पति पत्नी रह नहीं पाते, डाइवोर्स हो जाता है। इसलिए ये महाप्रभु का विशेष कृपा है, महाप्रभु सबको ऊपर में कृपा करे, महाप्रभु का सबको ऊपर में कृपा हो। हाँ हरे कृष्णा, आप लोग देखो जो लोग देख रहे हैं लाइव देख रहे हो, देखो सामने एक चीज को देखो, ये जगन्नाथ जी की ये श्रृंगार है, जगन्नाथ जी की ये सर को ऊपर में रोज 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 ये संपूर्ण तुलसी, इसका नीचे देख लो ये पूरा तुलसी पेड़ है, हैं पूरा पूरा ये तुलसी पेड़ है, काट करके उसको ऊपर में ये फूलों को सुंदर सुंदर एक बड़े सुंदर सुंदर फूल देखो, इसमें देखो ये जो सफेद फूल बड़े सुगंध है, बड़े खुशबूदार फूल है बहुत, ये जगन्नाथ जी की ये सर के ऊपर में रोज ऐसे ऐसे फूल लग करके है जगन्नाथ जी को साक्षात श्रृंगार सर के ऊपर में ये श्रृंगार होता है। आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं लाइफ में आप लोग सबके सब प्रणाम करो इसको, जब ये डायरेक्ट जगन्नाथ जी का ये श्रृंगार का फूल है, सबके सब मन मन में इनको प्रणाम करो और यहाँ से आप सबके सब आशीर्वाद लो। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री सुभद्रा देवी सुदर्शन चक्र की, और सबके सब यहाँ से दर्शन करो और प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करोगे, ये कोरोना जैसे जल्दी से जल्दी भाग जाए, महाप्रभु का और श्री जगन्नाथ जी का कोरोना इतना प्रभाव फैले जगत में, जगन्नाथ जी का कोरोना इतने जोर से फैले और सब कोरोना वहां से भाग जाए। इसलिए सबके सब जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो। बोले निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, आ जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल, जय यशोदा दुलाल, जय जय देव हरे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, दर्शन करो
जगन्नाथ जी खाते हैं।